भाई अगर आपको पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है और पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो मार्केट में आपको काफी सारे बैंक एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1000 से लेकर 2 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे लिमिट मिली है तो 1000 से लेकर 20000 रुपए के बीच की आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। और यहाँ आपको लोन जब भी अप्लाई करना है, जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, बेवजह आपको लोन अप्लाई नहीं करना। अगर आप बेवजह लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना, अगर आप उसकी रिपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, आपका सिबिल भी खराब हो जाएगा और आपको काफी सारे फोन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकती है और बाद में आपको जाके दिक्कत का सामना भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। अब मैं चलता अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लोन का प्रूफ देख सकते हैं, मुझे इस एप्लीकेशन से 2000 से लेके पूरे 20000 रुपए का लोन का ऑफर यहाँ पे मिल चुका है। अब मुझे जितना भी यहाँ पे लोन चाहिए ना, जैसे मुझे कम लोन चाहिए कम भी मैं ले सकता हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए मैं ज़्यादा भी यहाँ पे ले सकता हूँ। देखो अगर आपको भी पैसों की यहाँ पे इमरजेंसी पड़ चुकी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको देना पड़ेगा एक पैन कार्ड, एक आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड। अगर आपका सिविल यहाँ पे खराब है तो भी आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब देखो काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे लोन तो अप्लाई करते हैं पर जैसे ही लोन अप्लाई करते हैं इंस्टेंट उनका लोन वहाँ पे रिजेक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब लोग काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि जब वो लोन अप्लाई करते हैं ना, उनको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस नहीं मालूम आता और इसी वजह से उनका यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो जाता है। देखो आप मेरी वीडियो पे क्या सोच के आए हो कि देखो आपको भी हो सकता है 5000, 10000 या 15000 पे एक जो पड़ी हो और आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया हो और आपने मेरी वीडियो पे क्लिक करके इस करके क्लिक नहीं किया कि मैं आपको अपना ही ऑफर यहाँ पे दिखा दूँ। मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता ना तो आप अपने लोन को अप्रूवल यहाँ पे कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देख लो, मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे ना कई बार लोन अप्लाई कर चुका हूँ, 4 से 5 साल मुझे यहाँ पे हो चुके लोन अप्लाई करते हुए और मैं जिस भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करता हूँ ना तो इंस्टेंट मेरा लोन वहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है। हो सकता है कि अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देख लो तो आपको भी एक ऐसी नॉलेज मिल सकती है जिससे कि आप भी किसी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करेंगे तो आपको भी तुरंत यहाँ पे लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। देखो सबसे पहले मैं करता है क्यों, किसी भी एप्लीकेशन पे जब मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ ना तो सबसे पहले मैं उसकी रिपेमेंट एकदम टाइम पे करता हूं और मैं ज्यादा एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि मुझे इस एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा तो मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं। आप यहां पे समझ लो कि आपको लोन मिलता क्यों नहीं है। आप लोग क्या करते हो, प्ले स्टोर के ऊपर जाके काफी सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हो। अब जब लोन अप्लाई करते हो काफी सारी इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी होने के कारण आपको यहां पे लोन नहीं मिलता। अभी आपको वीडियो को पूरा देखना है तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको लोन का अप्रूवल यहां पे मिलने वाला है। देखो सबसे पहले आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को यहां पे इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। और कई लोग यहीं पे गलती करते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन का नाम देखते हैं और जाके लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और जिनको लोन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी नहीं मालूम होता इंस्टेंट उनका लोन वहाँ पे डिक्लेन यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि सबसे पहले आपको उसको यहाँ पे ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना और यहाँ पे आपको लोन का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको देखो लोन का ऑफर तो मिल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इस एप्लीकेशन पे ना 20000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने मेरे बैंक खाते में आएंगे, कितना मुझे सर्विस चार्ज यहाँ पे लगने वाला है वो भी हमारे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे सामने सारा पेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब जो मेरे सामने सारा पेज यहाँ पे निकल के आया ना तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा जो लोन का अमाउंट 20000 रुपए का हमारा लोन का अमाउंट है। अब जो 20000 रुपए का लोन का अमाउंट है प्रोसेसिंग फीस हमें देनी पड़ेगी प्लस जीएसटी 2000 रुपए की हमारे को प्लस जीएसटी और यहां पे प्रोसेसिंग फीस हमारे को यहां पे देनी पड़ेगी। और डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट जो हमारे बैंक खाते में आएंगे 18000 रुपए हमारे बैंक खाते में यहां पे आ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखो आपको अच्छे से यहां पे समझ आ जाएगा। आपको जो समय मिलेगा ना सिर्फ 62 दिन का आपको समय मिलेगा। अब यह 62 दिन का आपको समय क्यों मिला है वो भी मैं आपको आगे चल के यहां पे बता दूंगा। आपको पेमेंट डिटेल यहां पे देख सकते हैं, एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको जो लगेगा 34% का आपको लगेगा। देखो काफी एप्लीकेशन में 24% का भी इंटरेस्ट मिलता है और काफी एप्लीकेशन में 36 से लेकर 42% का भी इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है और वो डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर कि आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे कैसा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट आपका लगेगा 870 रुपये, सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी आपको दोबारा से 4000 रुपये यहाँ पे देनी पड़ेगी और रिपेमेंट अमाउंट आपको करनी है 24870 रुपये और आपकी ईएमआई बनके आएगी 12435 रुपये और सेकंड ईएमआई 12435 रुपये। अब इतना आपको समझ आ गया 20000 रुपये का आपका लोन है,
18,000 आपके बैंक खाते में आएंगे और यहाँ पे 24,870 रुपए की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। अब आपको जो ब्याज लगे ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो ब्याज लगे 6,000 या 6,500 के लगभग आपको यहाँ पे ब्याज लगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ, देखो इस एप्लीकेशन का जो ब्याज है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे बैक आके दिखा रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पे करना क्या, आपको लोन लेने के लिए ना करना क्या, देखो इस एप्लीकेशन का जो ब्याज है वो यहाँ पे काफी यहाँ पे हैवी है, मैं पहले से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्योंकि इस एप्लीकेशन पे ना अगर आपका सिविल यहाँ पे खराब भी रहेगा ना तो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लोन दे देगी, अगर आपका सिविल यहाँ पे जीरो भी रहेगा तो भी आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लोन दे देगी, बस कंडीशन एक ही रहेगी, आपको थोड़ा सा ब्याज है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो आपको करना क्या, देखो आपको यहाँ पे जैसे 4,000 या 5,000 रुपए की यहाँ पे जो पड़ चुकी है ना तो आपको ज्यादा लोन अप्लाई नहीं करना यहाँ पे, अगर आपको इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना है ना तो 4,000 से 5,000 रुपए का ही आपको लोन अप्लाई करना। अगर देखो मैं 5,000 रुपए का लोन अप्लाई करता हूँ ना तो मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं 5,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ, 5,000 रुपए का मेरे यहाँ पे लोन है, प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी मुझे देनी पड़ेगी 500 रुपए की, डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट जो मेरे बैंक खाते में आएंगे 4,500 रुपए मेरे बैंक खाते में आ जाएंगे, लोन का टाइम मुझे 62 दिन का मिलेगा, अगर आप 20,000 रुपए का भी लोन अप्लाई करोगे या 5,000 का भी लोन अप्लाई करोगे तो भी आपको 62 दिन का यहाँ पे समय मिलने वाला है। एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको 34% का लेगा, इंटरेस्ट अमाउंट आपको 270 रुपए, सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा 1,000 रुपए, रिपेमेंट आपको करनी है 6,270 रुपए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5,000 रुपए का लोन है, आप अपनी ईएमआई को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपकी ईएमआई बनके आएगी 3108 रुपए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3108 रुपए आपकी ईएमआई बनेगी, सेकंड ईएमआई 3108 रुपए की यहाँ पे बनेगी। अब 5,000 रुपए का हमारा लोन है, 4,500 रुपए हमारे बैंक खाते में आएंगे, 6,270 रुपए की हमारे को रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। अब आपको कितना ब्याज लगेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 2,500-2,600 रुपए के लगभग आपको यहाँ पे ब्याज लगा है। तो इसी प्रकार से एप्लीकेशन यहाँ पे काम करती है। देखो ऐसा नहीं है कि इस एप्लीकेशन पे आपको जो टाइम है सिर्फ 62 दिन का यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि हमारे को जो टाइम मिला है ना सिर्फ 2 महीने का हमारे को यहाँ पे समय मिला है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने का यहाँ पे समय मिलेगा, आपको यहाँ पे 6 महीने का भी यहाँ पे समय मिल सकता है। देखो वो डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर कि आपको कंपनी को कितना यहाँ पे समय देना है, तो कंपनी ने मुझे समय सिर्फ 2 महीने का ही दिया है, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो उस केस में हो सकता है कि आपको 1 मंथ का भी समय मिल सकता है, 6 मंथ का भी मिल सकता है, आपको 2 मंथ का भी यहाँ पे समय मिल सकता है। तो यहां पे मैंने आपको लाइव प्रूफ यहां पे बता दिया कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना है और अप्रूवल आप यहां पे कैसे करवा सकते हैं। देखो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना आपको जो वेरीफाई इनकम को करवाना है कम से कम 20 से लेकर 25,000 रुपए की इनकम को वेरीफाई आपको यहां पे करवाना पड़ेगा तो ही आपको लोन का अप्रूवल यहां पे मिलने पड़ेगा। काफी लोग यहां पे क्या करते हैं, लोन तो अप्लाई करते हैं पर प्रोसीजर नहीं जानते लोन अप्लाई करने का, बस सीधा क्या करते हैं बेसिक से इंफॉर्मेशन डालते हैं और यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और जैसे ही अप्लाई करते हैं इंस्टेंट उनका लोन वहां पे डिक्लेन भी यहां पे हो जाते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि मैंने आपको कैसे बताया कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना है और कैसे आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है, क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में हमारे को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एप्लीकेशन आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी, तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन की रेटिंग को चेक कर सकते हैं, 3.7 की इसकी रेटिंग है और इसका डाउनलोड यहाँ पे 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है, भाई काफी लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड यहाँ पे कर रखा है। अब सबसे पहले आपको करना है कि आपको इसके अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि एप्लीकेशन आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एनबीएफसी लेंडिंग पार्टनर फिनफ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड विद द रजिस्टर्ड एनबीएफसी विद आरबीआई। अब इतना तो पता चल गया एनबीएफसी लेंडिंग पार्टनर फिनफ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड विद द रजिस्टर्ड एनबीएफसी आरबीआई। जो एप्लीकेशन एक आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, नीचे की तरह आएंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो 12% से लेकर 36% को इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लगने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। देखो इस एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे 100% लोन मिल जाएगा अगर सिविल जीरो रहेगा, पर इंटरेस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, तो 62 दिन से लेकर पूरे 6 मंथ का आपको समय मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी आपके ऊपर कितना आपको यहाँ पे समय देती है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको इनकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपके पास एक वैलिड सिर्फ पैन कार्ड एक आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए, मंथली इनकम आपकी 15,000 रुपए यहाँ पे होनी चाहिए, सिर्फ आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, केवाईसी करनी है, अप्रूवल आपको मिल जाएगा। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, सेल्फी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको बैलेंस चाहिए और इंस्टेंट आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। मेल सपोर्ट की बात करें तो ईमेल सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ईमेल सपोर्ट से भी आप इनसे यहाँ पे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। तो एप्लीकेशन कब आई थी यहाँ पे देख सकते हैं 12 फरवरी 2019 को एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, अब यहाँ पे 24 चल रहा है, काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन की जरूरत था आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।